Welcome to Safi Mates. Please subscribe my channel, press the bell icon, like the video and share it. Assalamu alaikum students. Welcome back to Safi Mates. This is Ali Zafan and today our topic is problems related to omega or cube roots of unity by using properties. So students, last video lecture mein humne discuss ki thi properties of omega आर प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इससे रिलेटेड, ओमेगा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज वही जो हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में. तो स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए. अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी. अब जिंदगी आसान इन पॉइंट से तो नहीं होगी, पर एटलीस्ट इतना होगा कि ये प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. तो आते हैं सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी हैं वो डिस्कस कर लें. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, पॉइंट नंबर वन इज ओमेगा क्यूब इक्वल वन, यानी ओमेगा का पावर जब थ्री हो तो वो 1 के इक्वल होती है. और ओमेगा पावर 3n इक्वल 1, 3n का मतलब होता है कि ओमेगा का पावर जब 3 का मल्टीपल हो, यानी ओमेगा का पावर 6 हो तब भी वो 1 के इक्वल होगा, ओमेगा का पावर 9 हो तब भी 1, ओमेगा का पावर 30 तब भी इक्वल 1, ओमेगा पावर 933 तब भी 1 के इक्वल. यानी ओमेगा का पावर अगर ऐसा है जिस पर 3 की टेबल कंप्लीटली डिवाइड करती है तो वो किसके इक्वल होगा, वो बराबर होगा 1 के. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज 1 प्लस ओमेगा या सम ऑफ 1 एंड ओमेगा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. उसके बाद सम ऑफ 1 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा. सही है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा इक्वल माइनस ओमेगा एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस 1. ये पॉइंट नंबर 4 है. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. यानी आपको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी अच्छी तरह से याद हो. अगर ये पॉइंट क्लियर हैं तो ये प्रॉब्लम्स आप यूं कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे. तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है प्रूव दैट -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2 होल पावर 7 प्लस इनटू ब्रैकेट -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2 होल पावर 7 प्लस 1 इक्वल 0. तो स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है जीरो के. तो जब भी आपको प्रूव शो वेरीफाई इस टाइप के प्रॉब्लम गिवन हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी साइड है दोनों में से जो आगे सिंप्लीफाई हो सकती है. यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और ये राइट हैंड साइड गिवन है. अब यहाँ पे देखेंगे ये जो राइट हैंड साइड है ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में. अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में जिसे हम आगे सॉल्व ना कर सके. जैसे देखें कि यहां पर गिवन है जीरो और यहां पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है उनका सम है, तो क्या हम जीरो को आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं नहीं, आगे नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऑपरेशन है, ना प्लस है, ना माइनस है, ना एडिशन, ना ही कोई और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐसी साइड है जिसे हम आगे सॉल्व करते हैं कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल अपॉन 2 होल अपॉन 7 प्लस 1. सही है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया,
फर्स्ट स्टेप था कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड सेम रखी। उसके बाद आते हैं हम इन प्रॉपर्टीज पे, तो देखें ये माइनस वन प्लस आयोटा रेडिकल थ्री होल अपॉन टू, इसका वैल्यू है ठीक है ये बराबर होता है ओमेगा के, ठीक है तो हम क्या करेंगे इसे रिप्लेस करेंगे ओमेगा से होल पावर सेवन से प्लस, और इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है पूरा इस वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा स्क्वायर से और ऊपर पावर सेवन प्लस वन से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आए हम ये ओमेगा पावर सेवन सेम प्लस ओमेगा पावर टू सेवन फोर्टीन प्लस वन, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पावर पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई किया, यानी जब किसी भी नंबर का नंबर के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो तो हम पावर आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, टू को सेवन से मल्टीप्लाई किया फोर्टीन। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ओमेगा पावर सेवन को ब्रेक करके इस तरह लिखूं कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा पावर सिक्स प्लस ओमेगा पावर फोर्टीन को ब्रेक करूं मैं ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा पावर फोर्टीन एन प्लस वन से, अगर मैं इस तरह से लिखूं तो कोई एतराज तो नहीं आपको? नहीं सर नहीं है। तो आगे आते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन में क्या था, सॉरी ओमेगा पावर ट्वेल्व। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर्टी नंबर वन अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर वन में से ये पार्ट, जब ओमेगा पावर थ्री एन यानी ओमेगा का पावर जब थ्री का मल्टीपल हो तो वो किसके इक्वल होता है वन के, ये ओमेगा सेम मल्टीप्लाई ओमेगा पावर सिक्स इक्वल वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम मल्टीप्लाई ओमेगा पावर ट्वेल्व इक्वल वन प्लस वन। अब ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा प्लस, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप मेंशन कर दें, सही है स्टूडेंट। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ओमेगा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे कोई सी भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये वाली कर रहा हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस वन माइनस वन, तो इसकी जगह हम माइनस वन लिखेंगे प्लस वन माइनस वन इक्वल जीरो व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड द प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए, उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर टू पे। सो प्रॉब्लम नंबर टू इज ओमेगा पावर 32 प्लस ओमेगा पावर 37, सही है। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है कि ओमेगा पावर 32 प्लस ओमेगा पावर 37 किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसे हम सेम लिखते हैं, तो ओमेगा पावर 32 सेम प्लस ओमेगा पावर 37, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ओमेगा के पावर को ब्रेक करके रखेंगे, ब्रेक इस तरह से करके रखेंगे कि ओमेगा का एक पावर जो हो थ्री का मल्टीपल हो, सही है। तो आए 32 पर अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 10 टाइम्स टेबल लगेगी 30, तो 32 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं ओमेगा पावर 30 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो ओमेगा पावर 32 को मैंने ब्रेक किया ओमेगा पावर 30 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें दोनों का बेस सेम है, बिटवीन साइन मल्टीप्लीकेशन है, जब बेस सेम हो बिटवीन साइन मल्टीप्लीकेशन हो तो हम पावर से ऐड करते हैं, पावर 30 को मैं ऐड करूं 2 से तो क्या होगा 32 सेम मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा आपका, ना आपका हो रहा है ना मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब ओमेगा पावर 37 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 की टेबल यहाँ पे लगेगी 12 टाइम्स 36 मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 1, यहाँ पे भी आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा जी सर, 36 प्लस 1 37 ही होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमें 30 जो है 3 का मल्टीपल है एंड 36 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ओमेगा पावर 3 एन इक्वल 1,
तो हम क्या करेंगे, ओमेगा पावर 30 की जगह 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 36 की जगह हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ओमेगा पावर 1 इक्वल ओमेगा। जी सर सही, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ओमेगा। अब आए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे या पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस 1 माइनस 1। वेरी गुड, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह लिखेंगे हम माइनस 1। अब इसे आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स? जी सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू प्रूव that into bracket 1 minus omega square whole power 5 equal 32। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 1 minus omega square whole power 5 बराबर है 32 के। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो simplest form में है वो है right hand side, तो हम कौन सी side को solve करेंगे, टेकिंग ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम कौन सी साइड लेंगे टेकिंग, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सही है, क्योंकि ऐसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें कि प्रॉपर्टी जो भी यूज हो रही है तो लेफ्ट साइड में क्या है, प्लस की साइन से। जी प्लस 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू है, पर यहाँ पे देखें कि सिर्फ 1 ही है जो प्लस में है, बाकी जो है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये माइनस में। तो माइनस में कोई प्रॉपर्टी या कोई पॉइंट हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे, इसका ऐसा मेकअप करेंगे हम कि यहाँ पे हमें प्लस मिल जाए, प्लस के एटलीस्ट 2 टर्म्स मिल जाए। तो आए इसका मेकअप करते हैं हम कि 1 यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में माइनस है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस ओमेगा माइनस इंटू माइनस प्लस सर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका मेकअप हो गया। अब ये इस फॉर्म में आ गया है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट में क्या होगा माइनस 1 होगा होल पावर 5, 1 सेम माइनस इनटू माइनस प्लस होगा प्लस 1। वेरी गुड, होल पावर 5। अब स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में है 1 प्लस 1, ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है। 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, 2 पावर 5। अब 2 पावर 5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर होता है उतनी दफा हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 2 3 4 5 सही है जी। अब 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो यहां पे देखें 32 मिल गया हमें जो बराबर है राइट हैंड साइड के, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। सही है स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हम प्रॉब्लम नंबर 4 पे। अब ये प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है शो दैट 3 इक्वल 2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो हियर वी हैव टू शो दैट 2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर is equal to 3. So students, if we see the condition of problem, here left hand side
is given in simplest form. And the right-hand side isn't in simplest form. So here we have to solve right-hand side. So we write here, taking right-hand side. After writing taking right-hand side, we keep the right-hand side same. Now we will multiply these two binomial expressions by using algebraic multiplication. So algebraic expression में क्या होता है कि जब दो binomial given होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम first term को pick करते हैं, first expression के first term को pick करके हम क्या करते हैं, second expression के first से भी multiply करते हैं and second expression के second term से भी multiply करते हैं. तो आए 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4, 2 को omega square से multiply करेंगे तो 2 omega square same. ठीक है students, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये first से जब multiplication हो गई हम क्या करेंगे, second को pick करके हम first के second term को pick करके second के first से भी multiply करेंगे and second expression के second से भी multiply करेंगे. ओमेगा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा, ओमेगा को जब हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ओमेगा पावर 3. सही है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और पावर सेम हो जाएंगे, 1 प्लस 2 इक्वल 3. अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं 4 सेम लिखूं, यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम बाकी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 टेबल 2 पर 1 टाइम बाकी मिला हमें ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब इक्वल ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1. सही है, तो देखिए कितना काम आ रही है ये पॉइंट्स. हर प्रॉब्लम जो है इनमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स काम में आ रही हैं. तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पॉइंट्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं. सही है जी सर. अब इसके वो आगे सॉल्व करते हैं तो 4 सेम प्लस 2 भी सेम. अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, उन पॉइंट में से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सर, -1. तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे -1 से +1. 4 प्लस 1 इक्वल 5 सर, 5. वेरी गुड. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस इन जो माइनस माइनस, 2 वन से 2, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 सर. क्या 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, जी सर. तो हम लिखेंगे यहां पे के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड शोड. अब देखें ये भी एक पॉइंट होती है याद करने के लिए, जब आपको क्वेश्चन में प्रूव हो तो लास्ट में आप लिखेंगे प्रूव्ड, अगर शो हो तो आप लिखेंगे showed, अगर ऊपर verify given हो तो आप लिखेंगे last में left hand side equal right hand side verified. ठीक है, so hope के ये भी clear हो गया होगा. तो students अब इस problem के बाद जो है इसी type का एक problem है जो lockdown में आपको busy रखेगा. ठीक है, तो आपका quarantine का जो days चल रहा है या ये जो duration चल रहा है तो आपको बिजी रखने के लिए ये थोड़ा सा DIY do it yourself है. तो ये आपने सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से होगा. ठीक है, तो आप ये कर लें, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पे जो है प्रॉब्लम नंबर 5. ठीक है, तो उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में आपको इन प्रॉब्लम्स में तो काम आएंगी, पर इससे पहले जो आपने किए हुए हैं ये 8 से लेकर ये आगे एडवांस मैथमेटिक्स तक काम आएंगी. वो पॉइंट्स ये हैं, आप में से काफी स्टूडेंट्स की पहले से पढ़ी होंगी पर आई थिंक याद नहीं होंगी. सो अब ये पॉइंट नंबर 1 है नेगेटिव पावर इवन. जब नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है तो उसका जो आंसर आता है वो होता है पॉजिटिव में. कैसे, फॉर एग्जांपल -3 पावर 2,
ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा, प्लस आंसर आपको प्लस में आ रहा है सही, प्लस नाइन। तो जब भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन हो तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव पावर आठ, यानी अगर नेगेटिव पावर है टू, उसका पावर लेट सपोज थ्री है, तो इसे हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस सर, प्लस इंटू माइनस माइनस सर, माइनस सर, आंसर देखिए नेगेटिव में आ रहा है। बाकी अगर पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव का नंबर इवन हो या आड हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इन इस प्रॉब्लम में यूज होने वाली है। तो आए हम इसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर फाइव, सही है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर फाइव। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है पॉइंट्स में से, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा के, तो हम क्या करेंगे इसे रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा पावर फाइव। अब इन पॉइंट्स में से देखें माइनस अगर नेगेटिव हो और पावर आठ हो, यहाँ पे नेगेटिव है पावर आठ है, तो आंसर कौन सा मिलेगा हमें माइनस में, तो माइनस में तो माइनस सेम लिखेंगे और ओमेगा पावर फाइव सेम। अब माइनस सेम इसे अगर मैं ब्रेक करूं ओमेगा पावर फाइव को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो आपको कोई एतराज हो नहीं स्टूडेंट? नहीं सर, सही है, सही है। उसके बाद हम आएंगे ओमेगा क्यूब को बराबर रखें वन के, वन मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर माइनस सेम वन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। अब इसका आंसर क्या मिला हमें ओमेगा माइनस माइनस ओमेगा। तो इसी टाइप के दो प्रॉब्लम्स हैं ये आपने करने हैं, इनका आंसर भी दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपने सही से याद करनी है, ये वाली पॉइंट्स भी। होप कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी है, या आपके कोर्स से अगर कोई और क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।